गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शशि भूषण अग्रवाल, फिजिक्स फैकल्टी टीम कंपटीशन, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा फिजिक्स का सैम्पल पेपर रिलीज़ हो गया है। सीबीएसई ने सैम्पल पेपर को रिलीज़ कर दिया है, सारे सब्जेक्ट का रिलीज़ कर दिया है इनफैक्ट। और मैं सिर्फ इस फिजिक्स के सैम्पल पेपर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने, और ये बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा, आपको ध्यान रखना है और आपको अब आगे से इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर अब अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए सबसे पहले जो बात करते हैं, सीबीएसई क्लास 12th टर्म 2 से रिलेटेड बात करेंगे। फिजिक्स का थ्योरी पेपर किस तरह का होगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहला बात, मैक्सिमम मार्क्स 35 होगा। आपको पता है कि टर्म 2 में 35 मार्क्स की थ्योरी होगी और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, तो थ्योरी मार्क्स का जो मैक्सिमम है वो 35 मार्क्स का होगा। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 घंटे का होगा। ये बहुत ध्यान रखिए कि अब जो टर्म 2 का पेपर होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा, और इस 2 घंटे के पेपर में 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आपको लिखना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं होंगे, बोर्ड ने स्पेसिफाई कर दिया है कि 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये चीज़ सबसे अहम जानकारी है इस बार के टर्म 2 के एग्जामिनेशन में। और 12 क्वेश्चंस 3 सेक्शन में डिवाइड होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में डिवाइड होगा। 3 सेक्शंस होंगे और तीनों सेक्शंस मिला के 12 क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको करने कितने हैं? 12 क्वेश्चन, ठीक। सेक्शन ए सबसे पहला सेक्शन, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के हिसाब से, यानी कि हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 2 होगा। और टोटल कितने सेक्शन में? 3 क्वेश्चंस होंगे, कितने में? सेक्शन ए के अंदर। 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी, मतलब 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और लेट अस से मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में या तो पहला पार्ट करना होगा या दूसरा पार्ट करना होगा, इंटरनल चॉइस होगी, लेकिन करने तो आपको 3 ही क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए का वेटेज हो गया 3 × 2, यानी कि 6 मार्क्स का वेटेज हो गया। दूसरा सेक्शन होगा सेक्शन बी का। सेक्शन बी वो सेक्शन है जिसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ध्यान रखिए 8 क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के, 8 × 3 यानी कि 24 मार्क्स का सेक्शन बी पार्ट होगा, और इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, लिखना होगा, और ऑप्टिक्स के अंदर रे डायग्राम भी बनाना आ सकता है, और डायग्राम जो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पर डायग्राम से भी एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, डेरिवेशन करनी पड़ सकती है, थ्योरी लिखनी पड़ेगी, आपको ये सारी तैयारी करनी पड़ेगी इस बार के टर्म 2 में। जैसा पहले बोर्ड का पेपर होता था बिल्कुल वैसे ही पेपर होगा। 8 क्वेश्चन में 2 इंटरनल चॉइस होगी बेटा, 2 इंटरनल चॉइस का मतलब 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। लेट अस से क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2 पार्ट हो गए, तो या तो पार्ट ए करना होगा या पार्ट बी करना होगा, और हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट हो गए, 1 पार्ट पहला या दूसरा पार्ट करना होगा। तो 2 इंटरनल चॉइस होंगे, करने आपको 8 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स का होगा। बहुत ध्यान देने वाली चीज है, 24 मार्क्स का होगा सेक्शन बी का पार्ट, और लास्ट में सेक्शन सी जो हो गया इसमें 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा।
ये ध्यान देने वाली चीज है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के बेसिस पे 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है सब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। सैंपल पेपर के हिसाब से बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर पूछा है, लेकिन वो 5 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। तो 1 क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के सब पार्ट होंगे 5, ठीक, और वो 1 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके पैराग्राफ के बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे। ये हो गया सेक्शन सी से रिलेटेड जानकारी। तो आप देख सकते हैं तीनों सेक्शन मिला के 35 मार्क्स का पेपर होगा। बेटा बहुत ध्यान से इस बार आपको प्रैक्टिस करनी है, फुल मार्क्स को स्कोर करना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और मुझे अच्छा सा रिजल्ट दिखाएंगे। जैसा आप लोगों ने टर्म 1 में मुझे खुश किया था, बिल्कुल वैसे ही टर्म 2 में भी आप मुझे खुश कर देंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो दे रहे हैं उसके अंदर सैंपल पेपर का सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसमें मैंने सैंपल पेपर के क्वेश्चंस का सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन सारा दे रखा है, वो भी बहुत ध्यान से देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन फॉर योर एग्जाम्स।